आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी किस प्रकार से की जा सकती है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर ये सर्विस काम ही नहीं कर रही है, तो आप वीडियो बना के किस प्रकार से बता रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना वीडियो बना के आपको इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी दूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को अपनी ई केवाईसी करनी है। तो ई केवाईसी करने के दो तरीके हैं, पहला है सीएससी के माध्यम से आप फिंगरप्रिंट से ई केवाईसी कर सकते हैं, और दोस्तों दूसरा तरीका है यहाँ पे कि आप डायरेक्टली पीएम किसान सम्मान निधि योजना से ओटीपी भेज के भी ई केवाईसी किसानों की कर सकते हैं। ओटीपी से ई केवाईसी करने पे जरूरी है कि उसके आधार कार्ड के साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक हो। अगर आधार कार्ड के साथ मोबाइल फोन नंबर लिंक नहीं है तो उस मामलों में आप इस प्रोसेस को फॉलो करके ई केवाईसी नहीं कर सकते। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या है कि उसके जो मोबाइल फोन नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक तो नहीं है, उसके बाद भी ई केवाईसी की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ई केवाईसी करने की कोशिश कर रही है और उनके नहीं हो रहे, तो वो कमेंट करते हैं कि सर ये सर्विस लाइव नहीं है और आप इस प्रकार से वीडियो बना के क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये सर्विस बिल्कुल लाइव है, ई केवाईसी सफलतापूर्वक हो रही है। मैंने बहुत सारे लोगों की ई केवाईसी करके देखा है और सभी की ई केवाईसी हो रही है, मुझे कोई भी समस्या नहीं आई। मैंने पिछले कुछ दिनों में जितनी भी ई केवाईसी की है सभी की सभी ई केवाईसी सफलतापूर्वक हुई है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी कुछ एक समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों पोर्टल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पोर्टल में कोई भी कमी नहीं है, अभी ई केवाईसी हो रही है, तो मुझे लगा क्यों ना वीडियो बना के आपको कंप्लीट जानकारी दूं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।